हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 12 ए का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो चलो, और ये चैप्टर क्या है हमारा, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस वन इज़ फॉर 10। ओके, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, ठीक है, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 15 मीटर हाई। तो मास्ट क्या होता है, जैसे शिप होता है ना, शिप, तो यहाँ जैसे ये शिप है, हाँ, तो ये शिप है, तो ये ऐसे करके नहीं होता है, पोल टाइप, मतलब ऊपर तक, जिससे ये, जिसके हेल्प से फिर ये ऐसा होता है, कपड़ा जो लगा होता है टेंट टाइप ऑफ, तो वो डायरेक्शन वेक्शन कुछ बताने में हेल्प करता है, आई थिंक, ठीक है। तो मास्ट वो होता है, तो कहा गया तो शिप के मॉडल में, ठीक है ना, मॉडल में जो मास्ट का हाइट था वो 9 सेंटीमीटर हाई था, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल शिप, मॉडल मीन्स व्हाट, मॉडल समझ आता है ना, मतलब लाइक एक मॉडल बना हुआ, ठीक है ना, और वही एक्चुअल शिप था जो उनमें सेप था, लेकिन एक्चुअल शिप जो बनाया गया उसमें 15 मीटर हाइट था, ठीक है ना। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 35 मीटर, तो बताइए, लेकिन अगर किसी शिप का लेंथ 35 मीटर है तो बताइए उसके मॉडल का कितना लेंथ होगा, ठीक है। तो एक कॉलम बनेगा हमारा मॉडल हाइट ऑफ मास्ट ऑफ मॉडल मॉडल ऑफ अ शिप, एंड अनदर वन विल बी फॉर द एक्चुअल शिप, है ना। तो वी विल राइट हाइट ऑफ मास्ट इन मॉडल शिप सेंटीमीटर में, ठीक है, एंड हाइट ऑफ मास्ट इन एक्चुअल शिप मीटर में। तो देखो, अगर मॉडल में 9 सेंटीमीटर हाई है तो एक्चुअल में क्या है, 15 है, ठीक है। हियर वी विल राइट 15। अगर फिर इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज 35 मीटर, मतलब शिप में यानी एक्चुअल में 35 है, तो वॉट विल बी इन मॉडल, यानी मॉडल में क्या होगा, मॉडल में क्या होगा, यानी x1 मान सकते हैं, है ना। तो ये बताओ, ये जो है 9/15 डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है, 9/15/35 x1/35, ओके। तो कांट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, तो x1 विल बी, ओके, विल सेंड दिस वन हियर एंड दिस वन हियर, लेकिन इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि देखो इससे इधर भेजने का फ़ायदा नहीं, तो ये इधर ही रहेगा। तो 9 × 35/15, ओके, 9 × 35/15। नाउ टेल मी बाई विच टेबल दिस टू आर डिविजिबल, तो इट इज़ डिविजिबल बाय द टेबल ऑफ 5 × 7 times एंड दिस वन इन 3 times। 3 के टेबल से 9 3 times है, मीन्स क्या आ गया, 7 × 3 = 21। तो वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज इक्वल टू 21। तो कह सकते हैं the required length will be 21, and 21 क्या, ये सेंटीमीटर में था ना ये वाला, तो इस वी विल राइट योर सेंटीमीटर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, द 10th नंबर, लुक, इन 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 × 10^7 kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोसफेयर। तो देखो, 8 दिन में अगर 8 दिन में अर्थ इतना डस्ट पिकअप करता है एटमोसफेयर से, तो बताइए हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days, तो 15 दिनों में कितना डस्ट पिकअप करेगा। तो एक नंबर ऑफ डेज है एंड एक है डस्ट, ठीक है ना। तो एक हम बना सकते हैं कॉलम नंबर ऑफ डेज का, दिन का, ठीक है, नंबर ऑफ डेज का एक कॉलम बनेगा, फिर वेट ऑफ डस्ट का एक बनेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज तो ना डेज में ही है, और डस्ट किस में है, केजी में दिया, डस्ट किस में है, केजी में, ओके। तो एक कॉलम, चलिए अब कहा गया 8 दिन अगर है तो डस्ट कितना होगा, 6.4 × 10^7 kg,
ओके एक कॉलम। अगर नंबर ऑफ डेज 8 है तो कितना पिकअप करेगा अर्थ और डस्ट एटमोसफेयर से 6.4 × 10⁻¹⁷। ओके हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 डेज, तो बताइए 15 दिन में कितना डस्ट पिकअप करेगा। तो कांट वी कैन आई पुट दिस वन y1। ओके नाउ टेल मी, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो 8 × 6.4 × 10⁻¹⁷ ओके 8 × 6.4 × 10⁻¹⁷ इज इक्वल टू 15 × y1। ओके चलिए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल टू 15 ओके 15 इंटू 6.4 × 10⁻¹⁷ यहाँ चला आएगा। चलिए इस डेसिमल को अगर हम हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो नीचे कितने जीरो जाएंगे, 1 with 1 0। ओके नाउ टेल मी 8 के टेबल से ये कितनी बार में डिविजिबल है, 8 टाइम में। ओके अब ये बताओ यहाँ 10⁻⁷ का मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे हम देखो 10⁻⁷ का मतलब क्या होता है कि 10 कितनी बार रिपीटेड है, 7 बार। 10 कितनी बार रिपीटेड है, 4, 5, 6, 7 बार रिपीटेड है ना, 7 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁷ मीन्स व्हाट, 10 इज़ रिपीटेड 7 टाइम्स, है ना, पावर में पड़ा था ना। तो बताओ ये बताओ अगर एक जीरो यहाँ से हट जाए, यानी 7 जीरो था, एक जीरो कट गया, तो यहाँ कितना जीरो बचेगा, 6 जीरो। तो यानी 15 × 8 और एक जीरो था, यहाँ 7 जीरो था, तो यहाँ से एक कट गया, तो यहाँ 10⁻⁶ हुआ, ठीक है। तो अब बताइए कैन वी मल्टीप्लाई दिस वन, 15 का टेबल अगर आप 8 टाइम्स पढ़ोगे तो यू विल गेट 120। कितना मिलेगा, 10 ऐसे लिख सकते हो। अच्छा अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दे, स्टैंडर्ड फॉर्म यू नो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो चैप्टर में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक डिजिट इधर रहता है, बाकी सारे डिजिट, सिर्फ एक डिजिट को छोड़ के बाकी सारे डिजिट किस में भेज देते हैं, डेसिमल के बाद, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू 1.20 और इसका जितना डिजिट यहाँ पे डेसिमल के बाद भेजा गया, यानी दो डिजिट, तो यहाँ पे 6 + 2 ऐड कर देते हैं। नाउ दिस वन विल बी y1 इज इक्वल टू 1.20 × 10⁸। ओके दिस इज व्हाट kg, हेंस कह सकते हैं द रिक्वायर्ड वेट विल बी 1.20 × 10⁸ kg, ठीक है। यानी 15 दिन में इतना वेट आपका क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से अर्थ पिकअप करेगा। ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ कार इज ट्रैवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन, ठीक है, पर आर, ओके ना। तो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 1 hour 12 minute में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो फर्स्ट का तो टाइम ही नहीं दिया है, तो इज दिस रिटन पर आर, पर आर मीन्स क्या, प्रति घंटा, ठीक है ना। तो एक घंटे में अगर 50 km तय करता है, ठीक है, तो कह सकते हैं टाइम किस में, ये आर में, तो आर को आप मिनट में भी चेंज कर सकते हो, कि ना आर को मिनट में पहले चेंज कर लो। ओके और एक और क्या है, डिस्टेंस है, दूसरा कॉलम किसका बनेगा, डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। ओके नाउ टेल मी 50 km/h, तो 1 hour इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट, तो 60 रख सकते हैं क्योंकि टाइम को मिनट में कर रहे हैं हम लोग। एंड 1 hour कितना किलोमीटर, 50 km, यानी 60 मिनट में 50 km, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 1 hour 12 minute। तो 1 hour को, 1 hour को चेंज करेंगे तो 60 मिनट होगा, और इस 12 मिनट को और ऐड करेंगे तो वी विल गेट 72 मिनट्स। तो बताइए कि आप 72 मिनट में कितना
डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, 72 मिनट्स में कितने डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये बताओ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो 60/50 इज इक्वल टू 72/y1 आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। चलिए अब ये बताइए, y1 इज इक्वल टू, ये इधर गया 72 into 50 by 60, दिस डिविजिबल, ये इससे इतनी टाइम्स में गया, तो यानी 12 into 5 इज इक्वल टू 60, एंड 60 विल बी व्हाट, दिस इज डिस्टेंस, देन इट विल बी किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में, तो 60 किलोमीटर। तो कह सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी 60 किलोमीटर। एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस है ना, आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, यानी इससे पहले वाला वीडियो देखोगे, ठीक है, स्टार्टिंग वाला, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा, ये पता नहीं चलेगा ये क्यों ऐसे हम लोग टेबल में प्रिपेयर कर रहे, क्यों इसे अरेंज कर रहे, है ना। तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, ओके। चलिए अब आते हैं 12 नंबर पे। रवि वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। रवि यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 2 hours 24 minutes। अगेन दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल 11 जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे कार ना दे करके रवि किसी लड़के का नाम दे दिया गया कि रवि जो है वो हमारा 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करता है, ओके। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बना सकते इसे भी, ओके। तो देखिए, एक तो डिस्टेंस, अब यहाँ पे भी बोलोगे मैम कि यहाँ पे डिस्टेंस है कहाँ, डिस्टेंस तो है, सॉरी, इस टाइम कहाँ है, है ना। तो ये जो कह रहा है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर कितने घंटे में तय करता है, 1 घंटे में। तो क्या हम लिख सकते हैं टाइम, और देखो यहाँ पे भी मिनट भी है ना, देखो दूसरा जो दिया है वो मिनट भी दिया है, तो हम आर में ना लिख करके टाइम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में, ठीक है। और दूसरा हो गया डिस्टेंस का, डिस्टेंस किस में रखेंगे, किलोमीटर में, ओके। नाउ टेल मी, 5 किलोमीटर 1 आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 5 किलोमीटर अगर चलता है रवि, तो बताओ कि व्हाट डिस्टेंस वुड इट कवर, वी डोंट नो द डिस्टेंस, तो लेट इट बी 5 by 1, would it cover in 2 hours 24 minutes, तो ओके। तो कैन वी कन्वर्ट दिस 2 hours into minute, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 120 मिनट, और उसमें फिर 24 मिनट ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट 441, यानी 144 मिनट। तो बताइए 144 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। अब देखो आपके दिमाग में डाउट हो रहा है कि मैम ये जो स्मॉलर क्वांटिटी था उसे ऊपर रखना चाहिए, इसे, डजेंट मैटर, आप रख सकते हो डिस्टेंस को ऊपर टाइम को नीचे, लेकिन डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो कि दूसरे वाले का डिस्टेंस या टाइम यहाँ कर दी और डिस्टेंस यहाँ कर दी, ये गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए तो कह सकते हैं कि 60 by 5 = 144 by y1, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो y1 इज इक्वल टू, ये इधर गया 144 into 5 by 60, ये इससे 12 टाइम में डिविजिबल, 12 के टेबल से ये इससे 12 बार में, है ना। तो नाउ द y1 विल बी 12, और 12 क्या है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, ओके। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी 12 किलोमीटर, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर 13 नंबर। देखिए 13 आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, इफ द थिकनेस ऑफ द पाइल इज 12, पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड इज 65 मिलीमीटर, देखो मतलब 12 कार्डबोर्ड है, ठीक है, उसका थिकनेस क्यों ना, थिकनेस जो है, चौड़ाई जो है 12 कार्डबोर्ड का 65 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द पाइल ऑफ अ पाइल ऑफ
312 such cardboard. Means we have to find the thickness of 312 cardboard. Okay. तो एक क्या बनेगा, एक कॉलम बनेगा thickness of the card, number of the cardboard. एक क्या बनेगा, number of the cardboard. और दूसरा its thickness का. एक बनेगा कॉलम आपका टेबल में number of the cardboard. और दूसरा its thickness. तो number of the cardboard में 12 और उसके thickness में 65. फिर दूसरे नीचे वाले में, सॉरी सेकंड वाले में थिकनेस फाइंड करना है, तो Y1 मान लो और कार्डबोर्ड का नंबर दिया 312. बना सकते हैं, है ना. चलिए अब एक बार 40 नंबर देखिएगा. 11 men can dig this meter long 6 3x4 meter long trench in one day. अगर 11 आदमी इतना लंबा ट्रेंच को, ठीक है, एक दिन में मतलब डिग कर सकते हैं, ठीक है. हाउ मैनी मैन शुड बी मल्टी शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 meter लॉन्ग ट्रेंच फॉर द सेम टाइप ऑफ द सेम टाइप इन वन डे. तो बताइए कितने आदमी की ज़रूरत होगी अगर इतना मीटर ट्रेंच को डिग करने के लिए 11 आदमी की ज़रूरत है. तो बताइए अगर 27 meter लॉन्ग ट्रेंच है तो उसे ठीक है डिग करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, अगर ट्रेंच का वो सॉरी ट्रेंच जो है वो सेम साइज़ का होगा और दिन भी एक ही है. तो ओके, तो हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा. तो एक कॉलम हमें क्या मिला, नंबर ऑफ मेन का, ठीक है, और दूसरा मिलेगा लेंथ ऑफ ट्रेंच का, ठीक है. और ट्रेंच क्या है बाबू, मीटर में. तो देखो अगर 11 आदमी, तो इसे कन्वर्ट करके लिख लेते 4 × 6 = 24 + 3 = 27/4 meter, ठीक है. तो बताओ कितने आदमी की ज़रूरत होगी. वी डोंट नो द नंबर ऑफ मैन, लेट इट बी X1, ठीक है. अगर ट्रेंच का लेंथ क्या है 27 meter, ओके ओके. नाउ टेल मी 11/27/4, और जब ऐसे 4 होता है ना तो इसे हम यहाँ भेज देते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू X1/27. ध्यान से समझना, जब ऐसे 4 होता है यहाँ पे तो इसे हम इधर भेज सकते हैं. तो 11 × 4 को ऊपर भेज दिया (x^27) = (x^1)/27. ओके नाउ टेल मी X1 यही रह जाएगा, ये इधर जाएगा 11 × 4 × 27, और ये वाला 27 डिविजिबल. नाउ इट इज़ 11 × 4 = 44, है ना. तो कह सकते हैं देयरफॉर 44 क्या मेन है ना, ये मेन है, क्योंकि अगर 11 आदमी है तो इतना मीटर अगर ट्रेंच की डिगिंग कर सकते हैं तो बताइए कितने आदमी की ज़रूरत है. तो 44 मेन की ज़रूरत होगी 27 मीटर डिगिंग के लिए. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन इज 44. ओके ना, लुक एट द 50 नंबर. रेनो टाइप्स 550 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर. मतलब अगर रेनू 540 वर्ड्स को हाफ एन आवर, यानी हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स, हाफ एन आवर मीन्स क्या आधा घंटा, यानी 30 मिनट में कंप्लीट करती है, तो बताओ कि हाउ मेनी वर्ड्स वर्ड वुड शी टाइप इन 8 मिनट. तो वो 8 मिनट में कितने वर्ड्स को टाइप कर सकती है ना. तो एक तो कॉलम किस चीज़ का बनेगा, टाइम का, है ना, और दूसरा कॉलम बनेगा नंबर ऑफ वर्ड्स का, नंबर ऑफ वर्ड्स का. ओके तो देखो टाइम को ना मिनट में कर दो. ओके टाइम को मिनट में, टाइम जिस चीज़ में जिस यूनिट में उसे लिख दो बगल में, ठीक है. ओके यानी हाफ एन आवर मीन्स वो 30 मिनट में 540 वर्ड्स टाइप हो सकता है. तो बताओ हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 8 मिनट. तो 8 मिनट में कितने वर्ड्स वो टाइप करेगी. तो Y1 मान लिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, है ना. तो 330/540 = 8/Y1. तो Y1 इज हियर नाउ 8 × 540/30, दिस इज दिस डिविजिबल. ये इससे एक और 8 = 18 बार में डिविजिबल. 18 × 8 करेंगे तो वी विल गेट
144. और ये 144 क्या होगा, ये नंबर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे कहते हैं ये सब अपने आप से समझना, क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। देखो टाइम घटा तो वर्ड्स भी तो घट रहा है ना, 144 हो गया, समझ आ रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप एक बार डायरेक्ट प्रोपोर्शन जरूर इस फर्स्ट वाला वीडियो देखेगा तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कह सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज 144, या नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी टाइप्ड इन 8 मिनट इज इक्वल टू 144। ओके, थैंक यू।